आज हम लोग जानेंगे कि नियमित दिनचर्या सही करके जीवन में सफल कैसे हुआ जाए। आयुर्वेद यह मानता है कि दिनचर्या शरीर और मन का अनुशासन है और इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और मल पदार्थों से शरीर शुद्ध होता है। सरल स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन शुद्ध होता है, दोष संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होते हैं और दिन की शुरुआत ताजगी और पुनर्यवन से होती है। प्रातः काल में सरल दिनचर्या का पालन आप कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व वातावरण में विशाल ऊर्जा की गति भर जाती है और आपके मन और मस्तिष्क खुशहाल हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान सर्वाधिक प्राप्त होता है, श्वास की शक्ति ज़्यादा होती है, सकारात्मकता मन में बढ़ता है। रक्षा मंत्र, कर अग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले वसते गोविंदम, प्रभाते शुभ कर दर्शनम। अर्थात सबका मतलब जान लीजिए, कर अग्रे वसते लक्ष्मी, हाथों के आगे भाग में अर्थात उंगली के ऊपर के भाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्ये च सरस्वती, हाथ में मध्य भाग में अर्थात हथेलियों में कला और ज्ञान की देवी सरस्वती का वास होता है। कल मूले कर मूले वसते गोविंदम, हाथ में श्री कृष्ण का वास होता है। और शुभ मुहूर्त, प्रभाते शुभ कर दर्शनम, शुभ मुहूर्त में अपना दोनों हाथ हथेली सुबह हाथों को देखना चाहिए। सुबह उठने से आपका सकारात्मक कदम होगा। सफाई, ठंडे पानी से कुल्ला कर लें, जल विद्युत कंडक्टर होता है और संवेदनशील ऊतकों में भी कभी भी जलन पैदा नहीं करता। ठंडे पानी से हाथ, चेहरा, मुंह, आँख को धो लेना चाहिए। नाक, दांत और जीभ को साफ कर लें। ध्यान और व्यायाम करना न भूलिएगा, जिससे आपका शरीर भी मजबूत होगा और आपका मस्तिष्क और जितने भी आपके इंद्रियां कार्य करते हैं वो भी मजबूत होंगे। तो ये था नियमित दिनचर्या के फायदे और आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन कैसे करें। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।